times and I can't seem to find a light. So वैसे अभी प्रोपेडियाटिक्स का क्लास चल रहा है. सो क्लास करते करते मैं उठ के ब्रश भी कर लिया और अभी नहाने के लिए पानी भी गर्म हो रहा है. सो और रूम भी थोड़ा सा मेसी हो रखा था, वो साफ़ करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग 2-3 दिन थे नहीं और उसका मेसीनेस अभी भी है. कल तो हम लोगों ने कुछ ठीक ही नहीं किया. सो वो ठीक करते हैं और बालों का अच्छे से तेल लगाते हैं, फिर नहा धो के मिलता हूँ. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still. Hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear I'm. सो लाइक सुबह ही क्लास ख़त्म हो गया था. उसके बाद मिखाइल ने बनाया था पूरी और आलू दम. सो दम आलू बनाया था, वो खा लिया था. और अभी टाइम हो रहा है 3 बजने वाला है, 3:05 बाकी है. सो मैं अपना कॉफ़ी एंजॉय कर रहा हूँ क्योंकि अभी दूध नहीं है. सो पानी वाली कॉफ़ी यही एंजॉय कर रहा हूँ. फिर ये पी लेता हूँ, फिर मिलता हूँ. थोड़ा सो गया था, उसके बाद उठ के मैगी बना रहा हूँ. चाय के लिए दूध नहीं है इसीलिए मैगी बन रही है आज. बाय द वे चाय जैसे दूध वाली चाय नहीं थी, तो नॉर्मल चाय को ही नींबू डाल के और ये पाउच वाले 2 बैग डाल के इसी को पी रहा हूँ अभी. और ये पीने के बाद मैगी बन जाएगी, फिर मैगी खा लेंगे. तो रात का खाना भी हो जाएगा मैगी खा के आज के लिए. फाइनली हमारी मैगी बन चुकी है और साथ में चाय. अजीब सा कॉम्बिनेशन, मगर यही खा के आज रात को गुजारना पड़ेगा, मैगी और चाय. सो हेलो गाइस, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, अपने घर में होंगे. ओमिक्रॉन नया वायरस आया है तो घर में स्वस्थ रहना, मास्क पहन के रखना. और इंडिया में 2 केसेस आ चुके हैं आज. सो मैंने को ये बोलना था कि जो नया एमसीए का न्यू गैजेट टूल आया है उसमें क्या क्या है नहीं है ये सब था. बहुत लोगों को बहुत सारा डिस्कशन था, बहुत लोग बहुत कुछ पूछ रहे हैं कि यूक्रेन जाना बेस्ट रहेगा या फिर फिलीपींस या रशिया, चाइना, कहीं पर भी जाना हो. वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, मैं अपना बता रहा हूँ कि क्या करना चाहिए और क्या क्या हो रहा है. एक्चुअली यूक्रेन, रशिया, बेलारूस ये 3 जगह पर ऐसे है पढ़ाई के साथ साथ ये लोग इंटर्नशिप करवाते हैं. वहाँ का जो रूल में था पहले के थे 54 मंथ के MBBS की होनी चाहिए. 54 मंथ से ऊपर ही होता है ये क्योंकि 5 साल 8 महीने की यहाँ पे कोर्स होती है. और अगर 54 मंथ के हिसाब से लगाया जाए तो 5 साल का ही होता है तो बनता है 60 महीना. तो 5 साल का 60 महीना बनता है. उसमें अगर देख रहे हो कि 5 साल 8 महीना है तो फिर उसका ओवर ही है, उसमें इंटर्नशिप भी इंक्लूडेड है रशिया, बेलारूस और यूक्रेन के लिए. और अगर आप लोग चाइना से कर रहे हो, बांग्लादेश से कर रहे हो, नेपाल से कर रहे हो, तो उनमें क्या करना पड़ता था, 5 साल वहाँ पर पढ़ते थे तो इंडिया आ जाते थे, आके आप लोग इंटर्नशिप करते थे. मगर अब उन लोगों को भी करना क्या पड़ेगा, अगर बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चाइना, कहीं पर भी कर रहे हो, कजाकिस्तान, तो आपको वहाँ पे 5 साल ख़त्म करने के बाद 1 साल रुकना है वहाँ पे, रुक के वहाँ का इंटर्नशिप करना है, फिर आके आपको 1 साल फिर इंटर्नशिप इंडिया में करना है नेक्स्ट पेपर क्लियर करने के बाद. ऑब्वियसली बात है. सो बात यह है कि हम लोग यूक्रेन वाले पढ़ाई के साथ ही वो इंटर्नशिप हो रहा है और वो लोग को पढ़ाई कम्प्लीट करने के बाद 1 साल रुक के इंटर्नशिप करके फिर वापस आना है. ये हो गई बात. और बात करते हैं उसके नेक्स्ट कि आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ आ सकती है. मतलब अब लोग बहुत लोग एडमिशन ले रहे हो, बहुत लोग ले चुके हैं. सो फिलीपींस के लिए, फिलीपींस के लिए बहुत लोगों ने बोला है कि लाइक फिलीपींस इतना बेकार क्यों जा रहा है, क्योंकि फिलीपींस का क्या होता है कि पहले 2 साल BS कोर्स होता है, उसके बाद होता है MBBS का कोर्स. सो MBBS का कोर्स और BS में क्या होता है कि पहले वो लोगों का टाइप है, इंडिया में करवाते हैं,
उसके BS का कोर्स, उसके बाद 4 साल के लिए MBBS के लिए वहाँ भेजते हैं, उसके बाद और 1 साल वहाँ पर इंटर्नशिप करना पड़ेगा, आपका होगा 6 साल, उसके बाद 7 साल, फिर जब इंडिया वापस आओगे तो हो जाएगा 8 साल। सोच लो वहाँ पे 1 साल और भी एक्स्ट्रा है, सो 1 साल एक्स्ट्रा होने की वजह से वो तो होगा ही, मतलब 8 साल का हो रहा है तो आपको वो चूज़ ही नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। और ऊपर से जो वहाँ पे NMC में एक रोल है कि आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी चेंज नहीं होना चाहिए, जो यूनिवर्सिटी में शुरू में आए हो वही यूनिवर्सिटी आखिरी तक होना चाहिए, सो आप बीच में चेंज नहीं कर सकते। सो आप अगर चेंज नहीं कर सकते तो वहाँ पे जब BS कर रहे हो तो 2 यूनिवर्सिटी का टाई अप हो जाएगा, तो वो मान्यता नहीं दी जाएगी। सो आप लोग जो, मैं बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ये एक्चुअली बहुत लंबा था सो उसको मैंने जल्दी जल्दी बता दिया कि ये जो है फिलीपींस मैं रिकमेंड नहीं करूँगा और आप भी रिकमेंड मत करना, और हो सके तो आप कहीं पर भी चले जाओ, आपके भले के लिए ही होगा। लाइक यूक्रेन रशिया, ये तो मैं बोलते ही रहता हूँ, उसके साथ साथ अगर चाइना, बांग्लादेश, नेपाल जाना है तो वहाँ पर भी आपका इंटर्नशिप करके फिर वापस आना है, तो हर जगह आपका 6 साल ही है, बस एक जगह के लिए दिक्कत है, वो है अपना फिलीपींस। सो जो लोग फिलीपींस ऑलरेडी ले चुके उनको तो थोड़ा पता नहीं कैसे होगा क्या नहीं होगा। बाकी यही था छोटा सा क्लिप, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को और भी शेयर की। सो अभी टाइम हो रहा है 11:30 से ऊपर, मतलब 12:15 बजने वाला है, तो मेरे को जाना है बाहर। मूड बिल्कुल बेकार हो रखा है क्योंकि 2 दिन से एकदम रूम में पैक्ड हूँ। सो अभी थोड़ा सा बाहर घूम के आते हैं, घूमना भी क्या, काम से ही जा रहे हैं, लाइक सामान लेने, कल का दूध वगैरह ये सब, एतवे का सामान 12:15 बजे, यहाँ पे एतवे 24/7 खुला रहता है, तो सो बाहर चलते हैं और कुछ सामान लेके आता, थोड़ा सा फ्रेश होके आता हूँ। जाना है उन दोनों के साथ भी, मगर मैंने गलती कर दिया, मैं सबसे पहले आ गया और की लेके आ गया, सो वो लोग मेरे लिए वेट कर रहे हैं, अभी की देता हूँ और फिर एक साथ चलते हैं तीनों। सो निकलते निकलते तो 12 बज ही गया, थोड़ा बाहर अंधेरा हो रखा है, एकदम ही अंधेरा 12 बजे, जो हॉस्टल का मेन लाइट है वो भी ऑफ है, अभी पता नहीं क्यों ऑफ कर रखा है, बाकी बाकी समय तो हमेशा जलते रहता है। आप थोड़ा सा चलते हैं आते हुए या इको मार्केट जहाँ पे भी होगा घर का ग्रोसरी सामान लेने इतने रात को। देख सकते हो आप लोग कि रात को हम लोग बाहर आए और ये लाइक छुआछुई खेल रहे हैं, मतलब टच करना है उसको, और मिखा इतना तेज भाग रहा है अभिलाष पकड़ ही नहीं पाया। लगभग 5-7 मिनट से मिखाइल भाग रहा है और अभी तक मिखाइल को पकड़ नहीं पाए, रात को 12 बजे ये लोग ये खेल रहे, एटलीस्ट पकड़ लिया मिखाइल को, पकड़ लिया अब तब पहुँच गया है। अब बोलता है कि कौन तेज भागता है, बस मिखाइल रुक गया, अब अभिलाष जीत गया। सो इतने रात को हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत ज़्यादा ठंड होगा, मगर ठंड वंड कुछ नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है, कितना डिग्री दिखा रहा है नॉर्मली यहाँ पे, अभी 3 डिग्री दिखा रहा है, 2 डिग्री दिखा रहा है, फिर भी कोई ठंड नहीं है। और वैसे भी हम लोग ज़्यादा ही प्रोटेक्शन पहन रखा होगा इसीलिए ना, तो इसलिए हम लोगों को लग भी नहीं रहा ठंड। बाय द वे थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे 650 सब्सक्राइबर पूरे कर दिए, और थोड़ा सा रहता है बस सब्सक्राइब कर दो और थोड़ा सा शेयर कर दो, क्या पता कल या कुछ दिनों में 1000 सब्सक्राइबर भी हो जाए। और आप लोग देखते हो मगर लाइक नहीं करते हो, या लाइक भी क्या करो। सो अभी टाइम है 12:10 और अभी हम लोग आके पहुँचे हैं एतवे मार्केट, सो कुछ ले लेते सामान, मगर एक चीज़ भूल गया हूँ मैं, मास्क। सो यहाँ पे जाके पहले कोई एक जाएगा जाके मास्क लेगा, उसके बाद मेरे को मास्क देगा, फिर मैं एंट्री ले पाऊँगा, मैं हमेशा भूल जाता हूँ मास्क, मतलब ये एतवे आने का टाइम। सो अभी टाइम हो रहा है 12:37 और हम लोगों ने एतवे से सामान ले लिया है और अभी चल रहे रूम की तरफ, रूम में जाके अभी चाय बनाएंगे और फिर मिलते हैं। सो फाइनली रूम में आ चुका हूँ और अभी हमारी बन रही है चाय, और चाय के बाद चाय पियेंगे, उसके बाद एडिट वेट करूँगा, फिर सो जाऊँगा। और मेन बात यह है कि बाहर आज बिल्कुल भी ठंड नहीं है और मज़ा आ गया घूम के। सो ब्लॉग को यही ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप भी खुश रहिए, सुखी रहिए, मास्क पहनिए, दोबारा से ओमिक्रॉन आ चुका है। सो मैं कल एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेने वाला हूँ कि ओमिक्रॉन के ऊपर, और साथ में कुछ कुछ नया टॉपिक बताऊंगा, सो उस ब्लॉग को तो ज़रूर देखना। तो अभी के लिए यही पे साइन अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करके जाओ, ठीक है, बाय बाय, सब्सक्राइब भी कर दो, बाय।